क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? हे भगवान, इसके मुंह से झाग आ रहा है। राजवीर, जल्दी से गंगा जल लेकर आ जाओ, इसके मुंह से झाग आ रहा है, जल्दी करो। मेरा काम खत्म, तीसरा भी गया। अब गंगा जल की जरूरत पड़ेगी इसकी आत्मा की शांति के लिए। डॉक्टर, आप लोग चलिए, मैं गाड़ी से आता हूं। देखिए, आप लोग ये क्या कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज के जमाने में आप इन अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं क्या? I'm sorry, मैंने आपको इस सब में इन्वॉल्व किया, मैंने आपकी मदद मांगी और आपने हमारी मदद की, उसके लिए भी थैंक यू, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित करके रख दूंगी कि जो मैं कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। जॉली कोई भी सबूत नहीं छोड़ता जो साबित कर सके उसने क्या किया। मैं भी ऐसे जल के मरा था, अब तुम लोग भी ऐसे जल के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, समझे? अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया ना कि जो मैं कह रही थी मैं सच कह रही थी? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? दादी साह ने राजवीर को मंदिर से गंगा जल लाने के लिए कहा था और मैंने देखा था राजवीर के शरीर से जॉली की आत्मा बाहर निकली थी। मैं जानती थी कि जॉली को ऐसा लगता है कि आप मर चुके हो, लेकिन वो फिर भी कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो एक और मौका ढूंढेगा कुछ करने का। अब हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो इस मंदिर के पीछे एक छोटा सा कॉटेज भी है, आप चाहे तो पूरी रात यहीं पे रह सकते हैं, जॉली चाहे तो भी नहीं आ सकेगा मंदिर तक। थैंक। अगर तुम नहीं होती तो वो मुझे मार देता। मुझे अब विकास और सयोनी की चिंता है। हाँ, विकास का डर तो मुझे भी है, लेकिन सयोनी को वो कुछ नहीं करेगा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है वो उससे। मैंने तुझे मना किया था ना शादी से पहले, ये सब नहीं करना है, नहीं करना है, मना किया था। कि आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, इसकी कोई गलती नहीं थी। तो मेरा मूड खराब था तो वो खराब था। तुम्हारा मूड खराब, मेरा मूड खराब था। क्यों क्यों क्या किया तुमने? छोड़ा के साथ क्या किया तुमने? इसमें नहीं, विक्रांत ने कुछ नहीं किया है, वो बस मैं इस शादी को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, बस और कोई बात नहीं है। विक्रांत, अगर तूने शोना को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? You get it? You better get it! क्या कहा आपने? शोना?
एक्चुअली तुम हो इतनी प्यारी कि उसे शोना निकल गया. एनीवे अगली बार ख्याल रखना. ओके चलो जाओ रूम में जाओ. सॉरी भाई वो अब एक्चुअली मैं तो ये भी नहीं जानती मैं आपको किस नाम से बुलाऊं. वैसे रिश्ते के हिसाब से तो आप मेरे जेठ लगते हैं बट जेठ जी बोलना अजीब होगा ना. हाँ जेठ थोड़ा अजीब लगेगा. तो फिर आप ही बता दीजिए किस नाम से बुलाऊं आपको. तो मुझे भाईजान बोल सकते. जान बोल सकते भाईजान में. जान में प्यार भी आ गया और इज्जत भी आ गई. भाईजान सही रहा. भाईजान में प्यार भी आ गया और इज्जत भी आ गई. भाईजान से भी ज्यादा. क्या सोच रही हो. चलो जाओ कमरे में जाओ. जी शोना तुम ऊपर जाओ बड़ों को आपस में बात करो. विक्रांत बेटे जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो. जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या. पहले मेरे दो पार्टनर्स पता नहीं कहीं गायब हो जाते. मेरे तीसरे पार्टनर को किसने जहर दे दिया. उसकी जान बच सकती थी लेकिन उसकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया. वो खाई में गिरे. ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में. एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है. नहीं ये सब कुछ बहुत अजीब है. ना ये पता पड़ रहा है मेरे पार्टनर्स का फोन नहीं लग रहा. ना ये समझ आ रहा है सब क्यों हो रहा है. नॉर्मल लाइफ में हादसे नहीं होते. अमल की जान बच सकती थी लेकिन नहीं बची. पर ये भी तो हो सकता है कि वो बच गया हो. कैसे बच सकता है. हाउ इज इट पॉसिबल. एक उम्मीद थी उसकी जान बचने की लेकिन वो भी मर गई. उसकी एम्बुलेंस खाई में गिर गई. इतनी ऊपर से गिरने का मतलब बचता है क्या. चिथड़े उड़ जाते हैं उसके. बॉडी भी नहीं मिलती. विकास जी पुलिस तो ढूंढने की कोशिश कर रही है ना. विकास जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए. सब ठीक हो जाएगा. हम सब है ना आपके साथ. और अब तो रिश्ता जुड़ ही गया है ना. उसी रिश्ते के बारे में बात करने पहुंचे. आई थिंक हमें ये शादी रोक देनी चाहिए. खाजी आप क्या कह रहे हैं. मानती हूँ जो हुआ गलत हुआ लेकिन आप बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते ना. मैं खेल रहा हूँ. अरे खेल हमारे साथ खेला जा रहा है. मेरा एक पार्टनर मर गया. नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें कुछ ना हुआ हो. मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है. देखिए मैं नहीं जानता क्या हो सकता है कि क्या नहीं हो सकता. बस मैं इतना जानता हूं कि यह शादी नहीं हो सकती. एक बार ये सब कुछ सॉल्व हो जाए उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना. नहीं विकास जी मैं आपकी बात समझ सकता हूं. एक काम करते हैं शादी को पोस्टपोन कर देते हैं. ठीक है ना. फिर बाद में सोचेंगे. नहीं जब से इस घर के साथ रिश्ता जुड़ा है कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है. ये सब ये हादसे. पता नहीं कल को कोई तीसरा हादसा हो गया तो. मैं अपनी बहन को लेकर अभी जा रहा हूं. अब मैं यहां एक पल नहीं रुकूंगा. रुकना होगा. मेरा मतलब है कि शादी कोई मजाक नहीं है. जब मन चाह जोड़ दिया रिश्ता और जब मन चाह तोड़ दिया. मेरी भी कोई इच्छाएं हैं. मेरा भाई है वो. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आप कहना क्या चाहते. पर मैंने रिश्ता तोड़ दिया. नहीं नहीं हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी. तुम्हारे एक फैसले की वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. राजदीप बेटा शांत हो जाओ. सॉर्ट इट आउट बेटे. ये क्या बदतमीजी है. ये क्या तरीका है बात करने का. मैं एक बार रिश्ता जोड़ने का सोच भी लेता लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा. कभी भी नहीं. राजवीर प्लीज शांत हो जाओ. राजवीर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ. डोंट राजवीर प्लीज छोड़ दो. अब ये रिश्ता कभी नहीं होगा. आपको जो कर जो कर आप कर आप कर. विकास जी प्लीज मेरी बात सुनिए. विकास जी प्लीज. बेटा तुमने ये क्या कर दिया. बिगड़ी बात को बनाने के बजाय तुमने खराब कर दिया. बेटा तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया उसका. हजमीर सयोनी. भैया क्या हुआ है. सयोनी जाकर अपना सामान पैक कर. हमें अभी यहाँ से जाना है. सामान जाना है. आप लोग ऐसे अचानक से कहाँ जा रहे हैं. सब ठीक तो है ना. कुछ ठीक नहीं है. नहीं ये शादी तोड़.
मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से अभी जा रहा हूँ, इसी वक्त। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? आपने शादी कैसे तोड़ दी? देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप मेरी बात तो सुनिए। ये सवाल जाकर अपने उस पागल भाई से पूछ और अपनी पूरी फैमिली को वॉर्न कर देना कि मेरे सामने कोई ना, अगर कोई भी मेरे सामने आया ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। विकास जी आप मेरी बात तो सुनिए, ये गो विक्रांत। आई सेड गो विक्रांत। भैया प्लीज, भैया लिसन टू मी। सुना नहीं सयोनी मैंने क्या कहा? भैया मेरी बात तो सुनिए, जाकर अपना सामान पैक करो। भैया लिसन टू मी, विकास जी जल्दी चल सयोनी, 10 मिनट में निकलना है यहाँ से। विकास जी मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। अब मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। अरे अजीब परिवार है तुम लोगों का यार। एक तो मेरे पार्टनर की मौत हो गई, ऊपर से मुझे दिलासा देने की बजाय वो मेरे गिरबान पे हाथ डाल रहा है। क्या समझता क्या अपने आप को वो? प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है विकास जी। देखिए मैं औरतों से झगड़ा नहीं करना चाहता, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाए। आपके पार्टनर अब और क्या करने का इरादा तुम्हारा? एक मिनट, तुम कुछ कह रही थी? हाँ हाँ मैं, विकास जी आप प्लीज इसकी बात मत सुनिए, कुछ भी बोलती है। मेरी बात करनी बहुत जरूरी है विकास जी। मैं जरूरी ये है परिधि कि तुम हमारे घर के मैटर में इन्वॉल्व मत हो, हम खुद संभाल लेंगे अपने घर को, प्लीज जाओ यहाँ से। विल यू प्लीज स्टॉप इट? आप लोग प्लीज ये सारा तमाशा घर से बाहर जाके कीजिए। ये सयोनी कहाँ रहेगी? देखिए आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, चल सयोनी। देख लिया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चाचा जी प्लीज रोकिए ना उन्हें। विकास जी सुनिए, सयोनी सयोनी दरवाजा खोल, सयोनी सयोनी दरवाजा खोल, सयोनी। विकास जी भैया मैं विक्रांत के साथ जा रही हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, हमें शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। विक्रांत का बेटा मेरी बहन को लेकर भाग के, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विकास जी देखिए, विकास जी देखिए, सयोनी सयोनी कहां है? मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो नहीं भाग सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब आपके बेटे का किया था, उसी ने उकसाया होगा मेरी बहन को। विकास जी आप अपनी हद पार कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें गलत ठहराए, हम पर इल्जाम लगाए। और एक बात याद रखिएगा, हमारा बेटा विक्रांत ऐसा लड़का नहीं है जो किसी की बहन को उकसाए और भगा के ले जाए। भरत जी सही कह रहे हैं, मैंने देखा है सयोनी को चुपके चुपके विक्रांत से मिलते हुए। हमारा विक्रांत तो भोला है। देखिए प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग सब, किसने क्या किया, किसकी क्या गलती है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी उन दोनों का ढूंढना बहुत जरूरी है। आप लोग बस दुआ कीजिए कि आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी ना कर ली, क्योंकि अगर ऐसा किया भी होगा ना मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा अपनी बहन को विधवा करने से। विकास जी आप ऐसा कुछ नहीं करिएगा प्लीज। इंस्पेक्टर आप कैसे कह सकते हैं सयोनी अपनी मर्जी से भागी और आप उसे ढूंढ नहीं सकते? मैं आपको कह रहा हूं ना उसका किडनैप हुआ है। इंस्पेक्टर आई एम वार्निंग यू, आप उसे ढूंढिए वरना मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा, समझे? सयोनी का फोन, सयोनी कहाँ है तू? हेलो हेलो भैया प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं विक्रांत के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं बस उससे शादी करने के लिए आई हूँ। आई जस्ट होप आप समझेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। भैया मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, ट्रस्ट मी। सयोनी मैंने कहा वेयर आर यू? आई एम सॉरी भैया बट मैं आपको नहीं बता सकती, मैं आपको बताऊंगी और आप फिर मैं सबको बता देंगे और फिर सारे के सारे मिलके हम दोनों को अलग कर देंगे। मैं अब शादी करने के बाद ही घर वापस आऊंगी। लिसन सयोनी तू जस्ट बता मुझे कहां है। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूंगा, बता कहां है तू? भैया मैं पहाड़ी वाली मंदिर के पास हूं। ठीक है मैं अभी आया। अरे तू रो क्यों रही है पगली? जानती है ना मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता,
ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि विकास को ये बता सकूं मैं निर्दोष हूं, इसीलिए तो तुझसे चिट्ठी लिखवाई थी ताकि तू भाग सके। इधर कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भैया ने अगर देख लिया ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे, प्लीज जाइए। अरे पगली, अभी तक मुझे नहीं पहचानी। मैं जॉली, राज भी नहीं। मैं भाईजान से रखती हूँ, मैं तुझसे ही मिलने आऊँ पगली। लेकिन आप मर गया। एक बात बता, तुझे मुझ पे भरोसा है ना? तो एक काम कर, एक लेटर लिख और चल मेरे साथ, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊँ। सब कुछ बहुत बिगड़ चुका है, मैं सब कुछ ठीक करने आऊँ सब कुछ। अभी चल मेरे साथ। यही सब तो बताने आया था मैं। वो संतोष और कुणाल ने ना विकास के दिमाग में कुछ ज्यादा ही जहर भर दिया और अब वो भाग गए, डर के भाग गए। पर तू देखना, जब मैं विकास को बताऊंगा ना तो वो समझ जाएगा। अगर ऐसे ही आ जाता ना तो वो कुछ नहीं समझ। एक बार ये सब क्लियर हो जाए ना तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। बहुत प्यार करती है ना विकास से, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा तेरी शादी। पर भाईजान प्रॉमिस कीजिए, आप भैया को कुछ करोगे तो नहीं ना? करूंगा ना। अरे पगली डर मत, सब कुछ क्लियर करूंगा। मेरी कसम खाइए और कहिए, क्या भैया के साथ कुछ गलत नहीं करोगे? तेरी कसम। तेरी कसम, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं तो बस उसकी जान लूंगा। अरे विक्रांत, तो ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे? आज पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ था ये नहीं पता। कोई बात नहीं, थकान बहुत ज्यादा होगी थी ना, इसे बेहोश हो गया होगा। टेंशन मत ले, सब ठीक है। भाई आर यू श्योर, हम जो कर रहे हैं वो सही तो है ना? ऑफ कोर्स ठीक कर रहे हैं, तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, कुछ गलत थोड़ी करवा रहा हूँ। सब शुभ मुहूर्त का इंतजार है। You idiot. तेरी इतनी हिम्मत है? वाह, कमाल है यार तू। गलतियां तूने की है और इडियट मैं। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं नहीं, तू कर रहा है। तू कर रहा है, क्या किया तूने? क्या किया तूने? हाँ, कंपनी तेरी थी लेकिन आइडिया तो मेरा, आइडिया तो मेरा था। मुझे मेरी कंपनी से बाहर निकलवा दिया तूने। उसके बाद क्या? कुणाल की बातों में आ गया, बातों में आ गया और मुझे दंड दिया। और जब मुझे दोबारा जेल हुई तो मेरे लिए एक अच्छा वकील तक नहीं किया। वाह वाह। और मैं इडियट। जॉली जॉली। हाँ जॉली जॉली। पर तू तो हाँ मर गया था मैं, मर गया था मैं, लेकिन मैं तुम चारों के लिए वापस आया, वापस आया। तीन को तो मौत के घाट उतार चुका हूँ, तेरी बारी, तेरी बारी। जानता है मुझे यहाँ तक कौन लेके आया? उस बेचारी को तो ये तक नहीं पता कि मैं मर चुका हूं, मर चुका। बहुत प्यार करती है तुझसे, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। सॉरी, तो कुछ भी हुआ मेरा कोई हाथ नहीं था, सब तेरे कर्मों का फल था। जॉली जॉली, उस मासूम लड़की की जान लेने वाला कुछ, ये बातें मैंने सयोनी को बताई तक नहीं। जॉली, अगर मैं उसको बता देता तो तुम उससे नफरत करती। जॉली चुप कर। मेरे पास बताना, तुझे मेरे कर्मों का फल मिला, आज तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। नहीं फल नहीं दादा। कहां भाग के जा रहे? रुक भैया, भैया रुक जाइए,
रुकिए प्लीज। तू मुझसे भागने वाला था ना विकास? आज तेरी मौत तेरे सामने आई है विकास। आज तू मुझसे नहीं भाग सकता, भाग सकता तो भाग। 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 जितना भागेगा उतना ही तो मजा आएगा तुझे मौत देने में विकास। क्या हुआ थक गया? थोड़ा सांस लेना है, ले ले, अच्छे से ले ले तू सांस, क्योंकि उसके बाद मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी और मौत का हिसाब करूंगा विकास। उसके बाद तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा विकास, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए क्या बस, बहुत शौक है ना मौत का चक्र चलाने का, तो अब इस चक्र से बाहर निकल के दिखा मुझे। तुझे क्या लगा था तूने कुणाल और अमल को मार दिया? नहीं, मैंने दोनों को बचा लिया। तूने तो सुना ही होगा ना, बुरी शक्ति है तो वो एक शक्ति भी है जो इस पूरी कायनात को चलाती है, जो हर बुरी शक्ति का जवाब देती है, जिंदगी और मौत का हिसाब लेती है। ज्यादा सोच मत, तो यही सोच रहा है ना कि तूने तो इन दोनों को मार दिया था, तो पर ये बच कैसे गए? मैं बताती हूं। रुक जाइए, हट जाओ मेरे रास्ते से, आज मैं विक्रांत को छोड़ूंगा नहीं। वो विक्रांत नहीं, वो जॉली है। जॉली? जॉली? मैं आपको सब समझाती हूँ, आप चलिए मेरे साथ अमल के पास। अमल? गुस्से में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तू दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए इतना बिजी था कि तुझे खुद ही नहीं पता चला तू कब हमारे जाल में फंसता गया। और फिर उसके बाद मैं जानती थी सयोनी की शादी के बहाने तू विकास जी को बुलाएगा, और जब विकास जी आएंगे तब तू उन्हें मारने की कोशिश करेगा, है ना? गुस्से में इंसान अंधा भी हो जाता है। तुझे ये दिखाई देना बंद हो गया कि तेरे आसपास क्या हो रहा था और हमने क्या क्या कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये भूत प्रेत बुरा साया ये सब कहाँ होते हैं? विकास तू मुझे जानता है ना, मैं भी ये सब बातों में नहीं मानता था यार, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो बस देखता रह गया। हर चीज के दो पहलू होते, दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई भी, शैतान है तो भगवान भी, और जॉली है और उसकी आत्मा भी, जिसने हमारे घर परिवार को बर्बाद कर रखा है। अब मेरी सयोनी को? नहीं विकास, जॉली सयोनी के साथ कुछ नहीं करे, उसका अगला निशाना तू है। लेकिन हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। नहीं, हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलकर हमारे सामने आएगा। देख सयोनी, तू इसका साथ दे रही थी, तू जानती है कौन है ये? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सच्चाई तो जान लेती। अच्छा, मेरा तमाशा बनाना चाहती है ना तू? ठीक है, बना तमाशा, लेकिन तू एक बात भूल गई, तूने मुझे ये पवित्र बबूत में तूने मुझे घेर लिया, लेकिन राजवीर अभी भी मेरे पास, राजवीर मेरे पास है और मेरी शक्तियां भी मेरे पास है। हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तेरे सुहाग को भी लेकर मरेंगे। अब कौन सा जाल बिछाएगी? हाँ,
राजबीर को मुझसे कैसे बचोगी? सबको मार डालूंगा। बचा सकती हो तो बचा लो, मार डालूंगा इसे। ये बचने भली रक्षा करो बजरंग। नहीं परिधि बेटा, अंदर मत जाना, रुक जाओ। आज मैं नहीं रुकूंगी, आज बुराई का विनाश होकर रहेगा। परिधि, तेरा खेल खत्म हो गया जॉली, हार मान ले, बोल दे हार गया। नहीं नहीं छोड़ूंगा इसे, कब तक रहोगे इस चक्र में? हाँ, सबको मार डालूंगा और मौत की शुरुआत होगी इस लड़की से, उसके बाद सबको एक एक करके मारूंगा, समझे? तू मुझे मारना चाहता था, मार मुझे कि मेरी बहन को छोड़ दे। कास जॉली छोड़ दे उसे। हाँ तो ले ले, बस मुझे राजवीर का शरीर दे दे और इसे ले ले। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मार, जो करना है मेरे साथ कर, लेकिन इन सबको छोड़ दे। भाईजान, वो मेरी छोड़ने के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? छोड़िए प्लीज। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? समझे? अरे रियम सॉरी, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, जी माफ कर दो। लेकिन प्यार तो किया ना, सच्चा प्यार तो किया ना हमेशा, और करते भी रहोगे, लेकिन अब मुझे जाना है राजवीर। बस परिवार, तुमने बहुत कर लिया इस परिवार के लिए, अब और नहीं, अब जो कर रहे हैं मैं करूंगा, मुझे जाने दो। जॉली मैं आ रहा हूं। राजवीर रुको। सयोनी, सयोनी हारी हुई बाजी को मुझे जीतना आता है, अब तू देख मैं क्या करूं। सायोनारा। राजवीर, तुम मिल गए। क्या हुआ राजवीर? परिधि मेरी जान लेने पे तुली हुई है। क्या 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 बोल रही है? परिधि जान लेना चाहती? हाँ जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी। ओह नो, ये तो ऋतु की गाड़ी में जा रहा है। मैं
राजवीर, राजवीर आराम से। राजवीर तुम क्या कर रहे हो? राजवीर प्लीज धीरे चलो ना, क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठी रहो। रितु, रितु, राजवीर आराम से चलो, हम परिधि को संभाल लेंगे। रितु, गाड़ी रुकवाओ। रितु, क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना चुप, एकदम चुप। जोखिम में मत डालो, चलो यहां से, चलो निकलो। हे भगवान, ये तो गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। राजवीर, ये दरवाजा तो पूरी तरह से जाम है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। परी, परी, परी तुम जाओ यहाँ से, जाओ परी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
इस ताबीज को अपने गले से मत निकालना राजवीर, जब तक जॉली का विनाश ना हो जाए। थैंक यू परिधि, अगर आज तुम ना होती तो शायद हम में से कोई भी जिंदा ना होता। हाँ, कुणाल को भी परिधि ने बचाया। थैंक्स परिधि, वैसे कुणाल को होश आ गया, खतरे से बाहर है वो। ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बाकी सब ठीक है। इसे मंदिर वाले कॉटेज में शिफ्ट कर दिया है, जॉली वहाँ कभी नहीं आ पाए। मैं संतोष जी को नहीं बचा सकी और मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। परिधि बेटे, अफसोस तो हमें होना चाहिए कि हमने तुमको गलत समझा। हो सके तो मैं माफ कर देना बेटे। चाचा जी प्लीज, बड़े जब हाथ उठाते हैं तो माफी मांगने के लिए नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। हम सब ने तुम पे भरोसा किया होता बेटा तो आज सब कुछ ठीक होता। हमें माफ कर दो। थैंक यू भाभी, आपने हमेशा हम सबकी जान बचाई है और हमने हमेशा आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। श्रेया, हमें तो खुश होना चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए। अब जो भी हुआ उसे भूल जा और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। राजवीर, तुम ठीक हो ना? कहाँ चले गए थे और इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे? तुम मेरी जान निकल गई थी। ये सब इस परिधि की वजह से हुआ। पागलों की तरह राजवीर की गाड़ी का पीछा कर रही थी। शायद इसलिए राजवीर ने अपनी गाड़ी। क्या चाहती हो तुम परिधि, क्या चाहती हो? देखो राजवीर, ये जो औरत है ना, मनुओं से तुम्हारे लिए जब भी तुम्हारे पीछे आती है बदकिस्मती लेकर आती है। ये इसका असली चेहरा। मैं तो कहता हूं परिधि को घर से निकाल दो। निकाल दो इसे। लेकिन श्रेया, मेरी बात तो सुनो। शट अप! और परिधि भाभी ने हमेशा हमारी जान बचाई है और असली चेहरा उनका नहीं तुम लोगों का देख लिया हमने। हजबीर मैं शट अप, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता लेकिन अभी उठ सकता है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं तो यहां से निकल जाऊं। हजबीर तुम जस्ट गेट लॉस्ट, गेट आउट। तुम इस लड़की के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? इसने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या है? राजवीर प्लीज, इस औरत पर हाथ उठाकर तुम अपने मान का अपमान मत करो प्लीज। नीतू अब जाओ यहां से, इससे पहले कि घर वाले तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाले। तुम प्लीज जस्ट लीव। रितु चलो चलो। श्रेया क्यों रो रही हो तुम? हम सब जानते हैं तुमने कबीर से सच्चा प्यार किया लेकिन उसने नहीं, इस इंसान ने तुमसे प्यार नहीं किया। हम सबको धोखा दिया और तुम्हें भी। इस इंसान के लिए अपने आंसू मत बहाओ श्रेया। परिधि, अब आंसू तो वो बहाएगा जिसने हम सबको आंसू दिए हैं। हम सब मिलकर जॉली को खत्म कर देंगे। ये हनुमान जी का रक्षा कवच है, पंडित जी ने दिया है। आप दोनों मिलके इसे घर के प्रवेश द्वार पे लगा दीजिए। घर के चारों तरफ इसकी लक्ष्मण रेखा बनाई है। जॉली इस रेखा को पार करके कभी घर में नहीं आ सकता।
ये घर के आसपास सिंदूर लगा दिया है पूरा। घर के बाहर कोई नहीं जाना चाहिए और जॉली भी घर के अंदर कभी नहीं आएगा। जब तक जॉली का विनाश ना हो जाए तुम अपने गले से ये ताबीज मत हटाना। हनुमान जी का कवच है ये, इस घर की, तुम्हारी, हम सब की रक्षा करेगा। क्या लगता है तुझे ये सब करके तो अपने परिवार को बचा लेगी? हाँ, अब तक तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन अब तुझे मिटाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी काली शक्तियों पर, तो मुझे भी बहुत गुरूर है उस एक शक्ति पर जो तुझ जैसी हजारों काली शक्तियों का सर्वनाश कर देती है। जिसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता ना, तुझ जैसी काली शक्तियों का सर्वनाश करेगी, तू देख लेना। नहीं नहीं, इतने सपने मत देखो। मेरा सर्वनाश करना तेरे बस की बात नहीं। एक औरत मेरा क्या सर्वनाश करेगी? एक औरत, एक औरत, एक औरत की चीखो पुकार ने महाभारत की रचना रच दी। एक औरत के मान सम्मान की खातिर राम ने रामायण रच दी। कंस है तो कृष्णा भी, रावण है तो राम भी, शैतान है तो भगवान भी, और तुझ जैसे शैतान का अंत करने भगवान धरती पर आएंगे। मेरे बजरंगी हनुमान तुझ जैसे शैतान का अंत करने आएंगे, आएंगे, तू देख लेना। सर्वनाश तो मैं करूंगा अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी। तेरे खानदान को मिट्टी में मिला के रख दूंगा, समझे? समझे? तुम क्या कर रहे हो? एक मिनट फरीद, अगर आज नहीं कहा ना तो हमेशा घुटता रहूंगा मैं। मुझे क्या लेना चाहिए? फरीद, तुमने मुझसे सिर्फ प्यार किया और कुछ नहीं। और मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें इतना बुरा भला कहा, तुम पर शक किया, न जाने कैसे कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव किया और तुम्हें घर से तक निकाल दिया। मतलब मैं सिर्फ नहीं सिर्फ मेरा ख्याल रखा लेकिन मेरे परिवार का भी। मुझे बचाया और मेरे परिवार को बचाया। तुम जानती हो आज ना, आज मुझे घुटन हो रही है अपने आप से, दम घुट रहा है, पर आज मैं अपनी नजरों में गिर गया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.